सारी बातें आपको बताई महाराज। यहाँ तक कुरुक्षेत्र का सवाल है, वहाँ तो चौधरी देवीलाल कहते थे दो वर्ग है इस देश में, एक लुटेरा वर्ग है एक कमेरा वर्ग। देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव में कुरुक्षेत्र की रैली में सभी में बात स्वीकार करी और कहा कि जिंदल परिवार से ज़्यादा बड़ा लुटेरा इस देश में कोई नहीं, जो इस देश का 40,000 करोड़ का कोयला खा गया। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनी हम इसकी जांच कराएंगे और ऐसे लुटेरे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही कि मैंने तिजोरियों के अंदर धन देखा, पैसा देखा, तिजोरियों में सोना और चांदी देखा, जेवर देखा, लेकिन ये पहला व्यक्ति है जिसकी तिजोरी में कोयला है 40,000 करोड़ का। मेरी प्राथमिकता होगी कि कोयला निकलवाऊँ और ऐसे लोगों को सजा करूँ। जो तो वहाँ तो लड़ाई सीधी थी लुटेरे की और कमेरे की, मेरा चुनाव वहाँ का जो खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो अपने आप को किसान मानता है वो लड़ रहा है। दो आड़ती एक किसान का भी नारा लग रहा है। दो आड़ती की बात ही नहीं, आड़ती तो किसान के साथ चोली दामन वो है ही नहीं, ये आड़ती थोड़ी है, को दिल्ली का ये तो पूंजीपति है, अरबपति लोग हैं जिनका देश की पांचवें छठे सातवें स्थान की सूची में नाम आ रहा है, ये लुटेरे हैं। आड़ती लुटेरा नहीं है, आड़ती तो हमारे भाई मददगार है। कल भी आपके निवास पर एक अहम बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पूरे पदाधिकारी को निमंत्रण दिया जाए। यहाँ पे आपके निवास पर नहीं, वो कार्यकर्ताओं की बैठक है। हमने जैसे आज इसके बाद अब रानिया है, कल रानिया के बाद उस डबवाली की है, डबवाली के बाद फिर काणावाली की बैठक है और फिर सिरसा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक। कितनी बैठकें प्रदेश में ले चुके हैं सर आप? ये 18 हो जाएंगी कल पूरी। इन दिनों और उसके बाद लगातार हम हर जिले में जा रहे हैं। अभी जी इन दिनों ईडी का खेला खूब खेला जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार कर चुके हैं, कल भी दिल्ली के एक मंत्री से काफ़ी देर तक पूछताछ की गई है। अगर कोई गलत कराए वो भुगतेगा। अरविंद केजरीवाल को ईडी का पहला समन लिया क्यों नहीं पेश हुआ? पेश होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद हुई थी ये लोग लड्डू बांट रहे थे, अब इनको पता लगा है कि सत्ता में रह करके सत्ता का सुख भोग करके लूट करके जा नहीं सकते। सिरसा से बीजेपी ने डॉक्टर अशोक तंवर को उतारा है, कैसे देखते हैं आपको? आप कैसे देखते हो आप बता दो। में तो लोग ये कहते हैं भी कोई जीत तो अशोक तंवर नहीं जीतेगा। हिसार संसदीय सीट पे क्या मानना है आपका सर? मैंने अभी बताया नहीं था 40,000 लेकर के आएगा, पहले भी 40 ही लिए थे। कब तक INLD उम्मीदवारों की घोषणा करेगी? जल्दी, आपको माजरा जी ने बताया कि हम जल्दी ही इस पर विचार विमर्श करेंगे। चौधरी देवीलाल जी की 6 तारीख को जयंती है, उस दिन सारे साथी आएंगे, उस दिन बैठ करके बात करेंगे।